हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। थॉट ऑफ इयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुशील कुमार जो कि 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन पर ये आरोप लगा है कि 4 मई को उन्होंने 23 साल के सागर धनखड़ की हत्या कर दी। तब से ये फरार थे। 23 मई को दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जेल जाएंगे तो क्या इनके द्वारा जीते गए मेडल इनसे वापस ले लिए जाएंगे। दोस्तों, इस बात का एनालिसिस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सुशील कुमार ने हमारे देश के लिए 2 बार ओलंपिक गेमों में मेडल जीता, जिनमें से 1 सिल्वर और दूसरा ब्रोंज मेडल है। इसके साथ ही ये वर्ल्ड चैंपियन है और कॉमनवेल्थ में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो दोस्तों, क्या होगा अगर ये साबित हो जाए कि सुशील कुमार ने हत्या की है? क्या इनसे मेडल वापस ले लिए जाएंगे? दोस्तों, अभी तक 33 ओलंपिक खिलाड़ी जेल जा चुके हैं, मगर आज तक उनसे मेडल नहीं लिया गया। इनमें से कई खिलाड़ियों ने काफी डेंजरस क्राइम किए, जैसे हत्या, सेक्सुअल अब्यूज और मानव तस्करी जैसे काम किए। ये डाटा आपको ओलंपीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर मिल जाता है, लेकिन इनको सजा भी हुई फिर भी इनका मेडल नहीं लिया गया। दोस्तों, क्लीट केलर का नाम आपने सुना ही होगा। जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में हमला हुआ था, तब इनके ऊपर वायलेंस के आरोप लगे थे। क्लीट केलर ने 2000, 2004 और 2008 में ओलंपिक गेमों में 2 गोल्ड मेडल मिलाकर 5 मेडल जीते थे। वायलेंस का आरोप लगने के बाद लोगों ने डिमांड किया था कि इनके मेडल इनसे वापस दे लिए जाएं, मगर ओलंपीडिया ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर बिल मैलून ने टाइम मैगजीन से कहा था कि IOC ओलंपिक का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें ओलंपिक के बाहर किसी भी खिलाड़ी को किसी भी बुरे काम की वजह से मेडल छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, सुशील कुमार के आरोप अगर साबित हो भी जाएंगे, फिर भी इनसे गवर्नमेंट मेडल नहीं ले सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।